प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदर हूँ आप सबके बिन। आप देख रहे हैं सत्य वैभव चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में, एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। इस पिक्चर का नाम है लव आजकल। दरअसल इस पिक्चर ये नाम का एक पिक्चर जिसे पार्ट वन कह सकते हैं, जो 10 साल पहले रिलीज हो चुका है, जिसमें हमारे सैफ अली खान हीरो के रोल करते हैं। और अभी 10 साल के बाद पिक्चर का पार्ट टू जो रिलीज हुआ है, पिक्चर का जो ट्रेलर जो है लव आजकल पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसमें सैफ अली खान की बेटी ही इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रही है, और जो सारा अली खान जो काफी अच्छे एक्टर्स है, इन्होंने काफी अच्छा आपको ट्रेलर में देखने को मिलता है, काफी अच्छा इनका एक्टिंग है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है। जैसे इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं जो है कार्तिक आर्यन, जो काफी अच्छे एक्टर है, और रिसेंटली उनकी पिक्चर पति पत्नी और वो में काफी अच्छा फेमस हो चुके हैं, और इस पिक्चर में ये हीरो के रोल कर रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में एक पार्ट वन की तरह इसमें भी दिखाया गया है स्कूल डेज लव, जिसमें हीरो को स्कूल डेज जो लव होता है, जो बचपन का प्यार जो कह सकते हैं स्कूल डेज लव, जो इसमें आरुषि शर्मा आपको देखने को मिलेंगे ट्रेलर में, जिसमें उन्हें प्यार करती है, जिसमें एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल लोगों से डरते हुए और प्यार कहने के लिए झिझकते हुए इस तरह कहते हैं, और एकदम सिस्टमेटिकली और एकदम सिस्टमेटिकली कहने के बजाय ट्रेडिशनली कह सकते हैं, ट्रेडिशनल वे से जो कहना चाहते हैं सच्चा प्यार, वो कहने से कतराते हैं, और इस तरह इनका प्यार होता है, ऐसे चलता है। और जैसे समय बदलता जाता है उनका स्कूल डेज का जो प्यार होता है वो उन्हें भूल जाती है, और लड़की चले जाती है, तो उनसे फिर उन्हें प्यार होता है सारा अली खान से, तो फिर उनसे कहने से कतराते हैं, और जब जाके कहते हैं इनडायरेक्टली, तो लड़की को भी अच्छा नहीं लगता है, और वो उन्हें प्यार करते हैं और नहीं भी करते हैं। जैसे इस पिक्चर को अच्छी तरह प्रेजेंट किया इस ट्रेलर में डायरेक्टर ने, जो डायरेक्टर इस पिक्चर के हैं इम्तियाज अली, जो पार्ट वन के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, जो 10 साल पहले रिलीज हुए पार्ट वन का भी, और अभी रिलीज होने वाले पिक्चर जो 14 फरवरी लवर्स डे के दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज होने वाला है, जो पिक्चर है इम्तियाज अली इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, काफी अच्छा ने डायरेक्ट किया है, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, जो कहना चाहते हैं वो काफी अच्छा पिक्चर में कह देते हैं इनडायरेक्टली। उसी तरह इसमें कहा गया है कि आजकल का जमाना ऐसा है कि लड़कियां चाहती है बस टाइम पास करे और कोई बंदा मिल जाए, अच्छा ऐशो आराम करने को मिले, अच्छा खर्चा करने को मिले, और लड़के तो ऐसे बस लड़की दिख गए तो प्यार करेंगे, बस एक ही मकसद से जो है लव और सेक्स, बस टाइम पास, इस तरह है। इस पिक्चर के ट्रेलर में आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऐसा दिखाया गया है, और वाकई है ऐसा भी, और पिक्चर भी वाकई जब रिलीज होगा तो पता चलेगा जब अगले महीने 14 फरवरी वैलेंटाइंस के दिन ये किस तरह इसे प्रेजेंट किया गया है, किस तरह से दिखाया गया है। जबकि ये पिक्चर जब रिलीज होने वाला है रिलायंस एंटरटेनमेंट बैनर में, देखते जब पिक्चर जब रिलीज होगा तो किस तरह इसे फिल्माया गया है। दरअसल पिक्चर का ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा कि एक स्कूल डेज का लव है, फिर एक मेच्योरिटी होने के बाद एक लव है, काफी ऐसा डिफरेंस दिखाया गया है। पर आजकल के जमाने के अनुसार आजकल के जेनरेशन के लिए ये पिक्चर काफी अच्छा होगा, ये मैं कोशिश करूंगा कि ये कहने के लिए सच्चे दिल से कि आजकल का प्यार तो प्यार है नहीं और बस सिर्फ टाइम पास का लव है, वो इस पिक्चर में दिखाने वाले हैं शायद डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब, जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं। देखें जब पिक्चर रिलीज होगा लव आजकल 14 फरवरी को, आखिर क्या है इस पिक्चर में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्य वैभव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा आपको रूबरू खबर होता रहेगा। टिल देन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।